भारतीय स्थापत्य और चित्रकला में मिरर इमेज का बहुत प्रयोग हुआ है। आप अजंता एलोरा की गुफाओं में जब देखेंगे तो वहाँ पर स्थापत्य के साथ साथ जितने भी भित्ति चित्र बने हैं उनमें भी मिरर इमेज का बहुत प्रयोग हुआ है। बुद्ध भगवान के जितने फॉलोवर थे उन्होंने उनके संदेशों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए जहाँ एक और उन्होंने मूर्तियों का सहारा लिया, गुफाओं का कंदराओं के अंदर उनके चित्र उनके संदेशों को उकारा बनाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भित्ति चित्र पर भी उनके संदेश को उनकी कथाओं को जातक कथाओं को चित्रित किया, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अजंता एलोरा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। वहीं कैलाश मंदिर है, शिव मंदिर है अजंता एलोरा में, जो कि स्तूप बना हुआ है। और ख़ास बात यह कि वो ऊपर से काटते हुए वो कलाकार युग पुरुष कला महर्षि उन कलाओं का निर्माण किया जो कि आज हमारे कल्पना से परे है। हजारों साल पहले किस तरह से उन्होंने ऊपर से मेजरमेंट करते हुए नीचे आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े स्तूप बनाए। राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला के अंदर मिरर इमेज का भी बहुत सा प्रयोग हुआ है। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बहुत से निर्माण कराए और एक पिंक सिटी जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी वास्तुकला के लिए स्थापत्य कला के लिए और अपनी विशेष रचनाओं जंतर मंतर हवा महल आमेर न जाने क्या क्या जयपुर के महाराजाओं ने इस दुनिया को दिया। सवाई जय सिंह जी का व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को आज पूरी दुनिया नमन करती है। उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई जो कि जयपुर में दिल्ली में मथुरा में वाराणसी में इस तरह के 5 उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई और उनका सबसे अनुपम विश्व को जो एक देन कह सकते हैं वो है जयपुर गुलाबी नगर, जिसे कि उन्होंने 5 वर्ष से भी कम समय में बनाया। इनके बाद में जो भी राजा आए उन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे वो ईश्वरी सिंह जी हों उन्हें ईश्वर लाट बनाया, माधो सिंह सवाई माधो सिंह जी जिन्हें सवाई माधोपुर बसाया, और उस तरह से जो राजा बनाए उन्होंने अलग अलग भवनों का निर्माण भी कराया। जयपुर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं वैदिक वास्तु का प्रयोग भी यहाँ बहुत से स्थानों पर किया गया है, उनमें से एक है सर्वतोभद्र जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सर्वतोभद्र उसे कहते हैं जहाँ 9 ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, उसको सर्वतोभद्र कहते हैं, जो कि ये सिटी पैलेस का मुख्य स्थान है जहाँ कभी दरबार लगा करता था और हम आज भी वहाँ पर पारंपरिक चित्रकला का हर वर्ष में एक बार कैंप लगाते हैं जहाँ लोग अपनी कलाओं को निखारते हैं। मुझे सिटी पैलेस में जितने भी भवन बने हैं जितने भी गेट बने हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये गणेश जो रिद्धि सिद्धि पॉल है गेट है इसने बहुत प्रभावित किया। और जयपुर शैली की जितनी भी पेंटिंग्स बनी उनमें इनका बहुत प्रयोग हुआ जो कि हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ मिरर इमेज का बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। इनके साथ जितने भी गेट हैं 4 तरह के गेट हैं, 4 ऋतुओं को दर्शाते हैं, उनमें भी मिरर इमेज का प्रयोग कर कलाकारों ने अपना एक कला कौशल का उदाहरण दिया है। यहाँ पर गेट पीतल के हों लकड़ी के हों या सोने चांदी के बने हों, इनमें कार्विंग के साथ में चिताई वर्क भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें भी दोनों तरफ समानता रखते हुए कलाकार ने अपनी कला कौशल का परिचय दिया है। भवन निर्माण के साथ साथ
गेट निर्माण के साथ साथ, दरवाजों के निर्माण के साथ साथ मार्बल में भी उन्होंने बहुत से कार्विंग के काम किए हैं, जिसमें भी आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगी। कलाकार अपनी सुविधा के अनुसार एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, एक रूपता को ध्यान में रखते हुए बहुत से चित्र बनाए हैं। ये सुंदर आप कार्विंग देख सकते हैं जो सिटी पैलेस में एक पार्ट में आपको नज़र आएगी। और यह है मुबारक महल, माधो सिंह जी ने ये बनवाया था, जो गेस्ट हाउस के रूप में इनका निर्माण कराया था, और जो अंग्रेज आते थे वो यहीं रुका करते थे, जो कि मुगल और राजपूत शैली का मिश्रित एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें मिरर इमेज का भी बहुत सा प्रयोग किया हुआ है। यहाँ हम एक बात और बताते हैं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें उस समय के जो वास्तुशिल्प के वास्तुशिल्पी थे या स्थापत्य कला से थे या चित्रकार थे, उन्होंने अप्रतिम उदाहरण दिया है। ये चित्र आप जो देख रहे हैं, आपने अभी रिद्धि सिद्धि पॉल देखी थी, उनका ड्राइंग मैंने किया है, जिसमें महाराज अब विराजे हुए हैं और उसके बैकग्राउंड में मैंने ये बिल्डिंग बनाई है। ये रफ ड्राइंग है, जिसको हम खाका बोलते हैं। पहले मैंने मेज़रमेंट लिया, मेज़रमेंट लेने के बाद में एक तरफ से बिल्डिंग बनाई, और ये अलग अलग तरह की जो जयपुर की बिल्डिंग्स हैं उनका मैंने ड्राइंग किया है पेन के द्वारा। जयपुर में भी मैंने ये मिरर इमेज पर एक वर्कशॉप लिया था। महल के साथ साथ जितने भी मंदिर थे, मंदिरों में भी इस मिरर इमेज का प्रयोग हुआ है। आमेर की शिला माता देवी के जो मंदिर के अंदर जो मार्बल का वर्क है, बहुत सुंदर वर्क वहाँ है। और इसके साथ आप गलता जाएंगे जयपुर में, वहाँ भी मिरर इमेज का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। वहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग है जो आज भी पर्यटकों को लुभाती है और विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखती है। वहाँ भित्ति चित्र बने हुए हैं और आज भी बहुत से चित्र आप जाकर देखेंगे तो आप उनसे मोहित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। नेचुरल रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें, और इसके साथ साथ और भी हिंदुस्तान में मंदिर जहाँ भी बने हैं उनमें भी इसी तरह से मिरर इमेज का प्रयोग हुआ है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी, जिन्होंने जयपुर को एक स्वर्ण युग में तब्दील किया, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो भवन निर्माण हो, या वो गद्य संग्रह हो, पद्य संग्रह हो, साहित्य हो, हर क्षेत्र में जयपुर को स्वर्ण युग में आपने तब्दील किया। आपके समय में गीत गोविंद पेंटिंग्स बनी, दुर्गा सप्तशती पेंटिंग्स बनी, राग रागनियों पर पेंटिंग्स बनी, और जयपुर शैली अपने एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। आपकी जो सबसे बड़ी देन है वो है जयपुर का हवा महल, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह से बनाया गया है, और इसमें भी मिरर इमेज का प्रयोग हुआ है। ये आपके सामने जो पेंटिंग है, ये बैकुंठ की पेंटिंग है, प्रताप सिंह जी के समय की पेंटिंग है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, और जयपुर शैली का चित्रण इसमें ज़बरदस्त किया हुआ है। आप इसमें बिल्डिंग वर्क देखेंगे, ज़बरदस्त बिल्डिंग वर्क किया हुआ है, जो कि हमारे फोटोग्राफ और पेंटिंग्स गैलरी में आज भी ये पेंटिंग डिस्प्ले है। आप जब भी जयपुर आएँ, या अगर आप जयपुर में हैं तो आप सिटी पैलेस में इस पेंटिंग को देख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि हमने जो गेट देखा था सर्वतोभद्र के पास में, जिस गेट की मैंने आपको तारीफ की थी, वही गेट का प्रयोग चित्रकार ने यहाँ भी किया है। बहुत सुंदर चित्रण है, और इसमें जो सोने का प्रयोग हुआ है वो गोल्ड इंक, यानी हम जिसे बोलते हैं हिलकारी, उसका यहाँ इसमें प्रयोग हुआ है।
और आप देखेंगे कि कुछ बिल्डिंग्स कंप्लीट है और कुछ पार्ट इसके अधूरे रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पेंटिंग बनते बनते सालों लगे होंगे, और एक नहीं, क्योंकि जयपुर में जो चित्र बनते थे वो सूरत खाने में बनते थे। सूरत खाना मतलब चित्र वहाँ निर्माण होते थे, और वहाँ उस्तादों की परंपराएं थी। उस्ताद ड्राइंग किया करते थे, और एक्सपर्ट कोई बॉर्डर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई फिगर बना रहा है, कोई फेस बना रहा है, इस तरह से काम बटे हुए थे। तो आप देखेंगे इसमें जितना भी काम है वो एक्सपर्ट का हर फील्ड में काम किया हुआ है। लास्ट में जब आप देखेंगे, अब बिल्डिंग बन रही है और ये हिस्सा बिल्कुल अधूरा सा है जो फ्रंट में है, तो इसको इसी रूप में डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी का मैं उदाहरण दूंगा आपको, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पेंटिंग बनाई है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें इसका किस तरह से प्रयोग किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके सहजता और सरलता से समझने के लिए ये मैंने कुछ ड्राइंग किए हैं, और इनको किस तरह से कांच में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, और किस तरह से इनको एक रूपता देने के लिए हम मिरर इमेज का प्रयोग करेंगे, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लोगों का प्रश्न था कि मिरर होता क्या है, क्या पेंटिंग बनाने के लिए हमको मिरर की आवश्यकता है, या हमारे पास तो मिरर है ही नहीं, हम क्लास कैसे अटेंड करें। न जाने बहुत से प्रश्न थे, लेकिन भारतीय पारंपरिक चित्रकला की विशेषता है कि उसको सहज और सरल बनाने के लिए प्रतिबिंब स्वरूप के सिद्धांत को अपनाते हुए चित्र बनाए हैं, और ये मैंने एक आर्च बनाई है। आर्च हम भी बनाते हैं, बिल्डिंग अभी भी हम बनाते हैं, लेकिन एक साइड की आर्च अच्छी बन जाती है, दूसरे साइड की आर्च हम भी एक बार में अच्छी नहीं बना पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि आपका फ्लो राइट साइड में अच्छा हो सकता है, किसी का लेफ्ट साइड में फ्लो अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट दोनों साइड में फ्लो अच्छा होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम एक तरफ ये चित्र बनाते हैं, और उसका फिर हम ट्रेस करते हैं, और उसको दूसरी तरफ ड्रॉ कर देते हैं, तो उसकी चित्र की समानता और उसकी एक्यूरेसी वो बरकरार रहती है। तो ये आर्च जो मैंने बनाई है, इसका प्रयोग सभी जगह होता है। कुछ बिल्डिंग्स में आधी आर्च बनी हुई होती है तो वो मिरर इमेज नहीं कहलाती है, लेकिन ये आर्च का प्रयोग पूरा होगा जहाँ पर, तो हमको मिरर इमेज की तरह ही इसको बनाना पड़ेगा। आधी बीच में, चूंकि हम बीच में एक लाइन कर दिया करते हैं, वो लाइन हमने नहीं की, क्योंकि आपको मिरर इमेज समझाने के लिए बिल्कुल मैंने एकदम किनारी पे ये चित्र बनाया है, जिसको कि मैं आपको समझा सकूं। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि सेंटर में एक लाइन करते हैं, और फिर वो चित्र बनाते हैं, और उसको ट्रेस करके उसको दूसरी तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो समझाने के लिए मैंने, केवल आप लोगों को समझाने के लिए, एकदम किनारी पे चित्र बनाए और कांच पर रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप सहज रूप से समझ सकें। बहुत से मोटिव बनाए हैं, पिलर बनाए हैं, कुछ सुराहें बनाई हैं, तो इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सभी की बात मैं कर रहा हूँ, कि हो सकता है कोई एक्सपर्ट हो जो दोनों तरफ से अच्छे बना ले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर आप एक कोई गोलाकार कोई चीज़ बना रहे हैं, या कोई रिपीटेशन वाली कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप एकदम बीच में सेंटर में लाइन करिएगा, और उसको डिज़ाइन एक तरफ एक्यूरेसी से बनाइएगा, और उसके बाद में उसको दूसरी तरफ ड्रॉ करिए, जिससे कि आपकी पेंटिंग में निखार आ सके, जो कि मैं आपको इन ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ चित्र बनाने की कोशिश की थी, मैंने सोचा था शायद टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, एक ड्राइंग भी किया था मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा सुधारने के बाद सही हो गया था। तो ये मिरर इमेज आप ध्यान में रखिए, और इसके नियम को पालन करें। धन्यवाद।